एकक बोलिए तब ना। डीएमके नेता भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कैसे सारा राम। देखिए, किसी के आस्था के साथ खिलवाड़ करना मना है। हिंदुस्तान आस्था का देश है, यहाँ मिट्टी को भी भगवान मानते हैं और किसी मूर्ति को, पत्थर के मूर्ति को और आध्यात्मिक लोगों के बारे में कहना क्या है। इसलिए अगर कोई किसी के बारे में ऑब्जेक्शन करता है वो गलत है। सबका अपना अपना आस्था है, आस्था से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। विधानसभा चुनाव की तैयारी में अलग अलग दल लग गए हैं, आपकी पार्टी लगी है, रांची में भी बैठक हुआ, क्या कुछ स्वाभाविक है। जो पहलवान है अखाड़ा में धूरी नहीं लपटेगा, नहीं घुलटेगा, तो पहलवान कैसा है। उसी प्रकार से राजनीतिक दल अपना अपना कसरत करता है। हमारा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर भी कल रांची में अपना राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक किया और आपको सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि ये प्रथम बार 15 राज्यों के प्रतिनिधि ने भाग लिया और हर तरह से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया, जिसमें ये भी संकल्प है कि हम बिहार का चुनाव, झारखंड का चुनाव भी लड़ेंगे, उपचुनाव भी लड़ेंगे। वर्गीकरण हो रहा है, क्रिमिनल लेयर को लेकर के वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये कहाँ की बात है कि जो आदमी बढ़ गया है वो बढ़ते रहे और जो आदमी पीछे है उसका केयर नहीं किया जाए। इसीलिए हम हर हालत में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका स्वागत करते हैं। ये जो जजमेंट आया है ये 10 साल पहले आना चाहिए था। आज स्थिति है साक्षरता, भगवती हमारे अंबेडकर साहब के अनुसार साक्षरता एक मानदंड है सबसे नीचे होने का। शेड्यूल कास्ट की साक्षरता दर 30% है और उसमें भुइयां, मुसहर, डोम, मेहतर, नट, ये सबका साक्षरता दर 15% से नीचे है। तो जिसको 30% या ऊपर साक्षरता दर है उसको सुविधा मिलनी चाहिए, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन जिसकी साक्षरता दर 7% है, 8% है, उसको तो ज़्यादा पुश करना ही चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो समाज में नीचे गिरा हुआ है उसको बढ़ाने के लिए प्रयास होना चाहिए। कहा जा रहा है कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं है, छुआछूत अभी भी तो नहीं, वो स्वार्थी लोग वैसा कर रहे हैं। एक कहाँ बात है, भुइया मुसा डोम मेहतर जो हमारे शेड्यूल कास्ट के हैं, के गो आई एस, के गो आई पी एस अफसर हैं, के गो इंजीनियर चीफ हैं, के गो चीफ इंजीनियर हैं, और जो जो आज क्षोभ व्यक्त कर रहे हैं चार जातियाँ उनका सब है। इसका मतलब शेड्यूल कास्ट का वही लेते रहे हैं, 76 वर्ष तो लिया उन लोगों ने। धन्यवाद सर।